गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू बी बी एन ई लर्निंग क्लास एज बी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर क्लास फर्स्ट अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट राइट एंड उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा उसमें हमने सेल को पढ़ा था सेल में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं ठीक है चीके? उन टर्मिनल्स के नाम क्या हैं ठीक है और अगर हम क्या करें अगर हम किसी एक ही उसके टर्मिनल से क्या कर दें किसी वायर को कनेक्ट कर दें तो क्या होगा और अगर हम उसके दोनों टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके फिर तब हम अपने बल्ब को कनेक्ट करें तब क्या होगा ठीक है इन सिंपल टर्म हमने देखा था कि जो हमारा बल्ब है वो किस तरीके से ग्लो करता है और हमने क्या देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑफ करंट है ना वो किस डायरेक्शन में होता है मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है है ना तो आप सब ने बेटा बहुत अच्छे से उसका रिप्लाई भी किया था तो वो कहाँ किस डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव ठीक है बेटा तो आज हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी करने वाले हैं इसमें है ना और एक्टिविटी कौन सी है बेटा वो दैट इज़ योर एक्टिविटी थ्री ये वाली ठीक है टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर एंड द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड ऑफ़ द द वायर यू डिड बिफोर, रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज द फिगर ट्वेल्व पॉइंट सेवन फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विद रबर बैंड एंड नाउ ब्रिंग दी टेप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट बेस ऑफ द बल्ब दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन दी कॉन्टेक्ट विद दॉजिटिव टर्मिनल अब देखो बेटा ये दूसरी जो एक्टिविटी करवा रहा है इस एक्टिविटी में इसका सीधा सा मतलब क्या है ये इस एक्टिविटी में कह एक रहा है कि जो ये सामने आपको पिक दी हुई है ना बेटा ठीक है इसके अंदर क्या करना है आपको एक आपने क्या ले लिया एक सेल ले लिया सपोज दैट ठीक है और उसके बाद आपने क्या किया है उसी में आपने उसके साथ एक क्या ले लिए वायर ले लिए ठीक है ये जो आपको डायग्राम दिया, दिया दिखाया गया है ये एक सेल हो गया ये वायर हो गई वायर के दोनों एंड्स को क्या किया है जो इस पर बेटा हर वायर पे क्या होती है एक प्लास्टिक की कवरी कवरिंग होती है ना है ना उस प्लास्टिक की कवरिंग को हटा के हमने क्या किया है उसके एक एंड को तो यहाँ पे अटैच कर दिया है मीन्स नेगेटिव टर्मिनल से ठीक है बेटा और एक एंड को इस बल्ब के लास्ट में टच किया बेटा हमने है ना अटैच किया है और इसके बाद हमने क्या किया इस बल्ब को उसके पॉजिटिव टर्मिनल के पास में ला लाके रख दिया है ठीक है मतलब कि उसके हम पॉजिटिव टर्मिनल के और क्लोज हम बल्ब को ले आए हैं ठीक है थीके? इसके बाद ये क्या कह रहा है इसके बाद ये क्या कह रहा है डज दी बल्ब ग्लो सी बात है जब बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा क्या होगा बल्ब अटैच हो जाएगा तो हमारे अब हमने पहले भी एक्टिविटी की हुई है तो बल्ब क्या करेगा बेटा ग्लो करेगा है ना नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल अब क्या करना है अभी तो आप उसको क्लोज लेके आए थे है ना एक टर्मिनल तो भाई आपका उसका नेगेटिव लगा ही क्या करोगे जब आप पॉजिटिव टर्मल को उससे, अवे ले जाओगे, उससे दूर ले जाओगे तो क्या होगा बेटा हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा है ना क्यों क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी अपलो है वो प्रॉपर नहीं होगा इज दिस नॉटर टू वॉट डू यू वेन द स्विच टॉर्च ऑन और ऑफ अभी क्या कह रहा है ये इस तरीके से इसमिलर नहीं हो गया कि हम जिस तरीके से हम कोई भी स्विच टॉर्च का ऑन या ऑफ करते हैं भाई सिंपल सी बात है उसमें भी क्या होता है उसमें भी यही होता है ना जब हम ऑन कर रहे हैं मिस जब वो क्या बना रहा है क्लोज सर्किट बना रहा है जैसे ही हम उसके ऑफ करते हैं तो क्या हो जाता है सर्किट ओपन हो जाता है ठीक है अब देखो अब यहाँ पे हम पहले किसको पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक स्विच को इलेक्ट्रिक स्विच का क्या होता है अभी देखो सबके घरों पे इलेक्ट्रिसिटी है है ना सबके घरों में बिजली आती है तो सबने पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किस तरीके से वर्क करती है राइट right. देखो बेटा इलेक्ट्रिसिटी का क्या है वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर द स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम मेड टॉर्च बाय मूविंग दी बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल दिस वॉज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज़ वी कैन नॉट मेक अनोदर सिंपल एंड ईजीअ स्विच टू यूज़ इन अवर सर्किट अब देखो बेटा इसमें सीधी सी बात क्या बोली है <coughs> हम सबके घरों पर स्विच होते हैं ऐसा नहीं है कि भाई हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चली जा रही है है ना मीन्स बल्ब ऑन है तो ऑन ही रहेगा ऑफ़ तो नहीं रहे होएगा फैन ऑन है तो ऑन ही रहेगा है ना तो उस सब के लिए अब हमें क्या करना है अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू क्या बनाएंगे स्विच बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है वहां पे अब देखो आपको नेक्स्ट एक्टिविटी जो दी हुई है ना बेटा ये एक्टिविटी फोर इसमें हम क्या करेंगे स्विच बना सॉरी इलेक्ट्रिक स्विच बनाना सीखेंगे ठीक है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक स्विच को बना सकते हैं अभी इसने एक और बात कही है ऊपर इलेक्ट्रिक स्विच वाले हेडिंग में क्या बोला है इसने कि जिस तरीके से अभी हमने ये जो बल्ब था जो अभी ग्लो कर रहा था है ना ऊपर जो अभी एक सेकेंड जो ये वाला बल्ब था है ना ये भी क्या था एक सर्किट की तरह वर्क कर रहा था लेकिन इसको हर बार यूज़ करना क्या नहीं होगा बेटा हमारे लिए इजी नहीं होगा ठीक है तो अब इसके लिए हम क्या एक सिंपल स्विच की मेकिंग देखेंगे यू कैन मेक अ स्विच विद स्विच यूजिंग टू ड्राॅइंग पिन अब क्या करनी है हमें दो ड्राॅइंग पिन ले लेनी है देखो मैं आपको बता देती हूँ कि ड्रॉइंग पिन होती कैसी हैं कुछ इस तरीके से होती हैं और ऊपर की साइड वो ये ये क्या हो गई आपकी ये हो गई बेटा ड्रॉइंग पिन ओके कुछ इस तरीके की हमें दो पिन लेनी है ठीक है और उसके बाद में क्या कह रहा है ए सेफ्टी पिन उसके अलावा एक सेफ्टी पिन सेफ्टी पिन सब बच्चों ने देखी हुई है ना सेफ्टी पिन डेली सबके घरों में यूज होती है और आप पेपर क्लिप और क्या उसके साथ में हमें पेपर की क्लिप ले लेने हैं टेक टू वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ द थर्मोकोल और द वुडन बोर्ड ठीक है बेटा क्या क्या हो गया दो वायर्स लेने हैं एक दो हमें क्या लेने हैं उसके साथ में ड्राइंग पिन लेने हैं, ठीक है थीके? उसके अलावा और क्या लेना है बेटा उसके अलावा ले लेनी है हमें कार्डबोर्ड शीट वगैरह ठीक है या फिर हम थर्मोकोल शीट भी यूज़ कर सकते हैं अब क्या करना है हमें जो हमारे पास में क्या थी सेफ्टी पिन थी उसमें हमें क्या करना है उसके वन एंड पे ड्राइंग पिन को इंसर्ट कर देना है ठीक है इन टू द रिंग एट दी वन एंड अब आपने देखा होगा बेटा जो हमारी सेफ्टी पिन होती है जो घर पर मम्मी वगैरह अपनी साइडीज़ में यूज़ करती हैं वो हमारी सेफ्टी पिन होती है ठीक है उसके एक एंड पे क्या होता है बेटा होल होता है तो उसमें हमें क्या कर देना है अपनी ड्राॅइंग पिन को इंसर्ट कर देना है ठीक है इट ऑन दी थर्मोकॉल शीट एच ऑन इन दी फिगर अब भी वो आसानी से क्या होगी इंसर्ट भी हो जाएगी क्योंकि उसके नीचे क्या है थर्मोकॉल शीट और थर्मोकॉल शीट में आसानी से ड्रॉइंग पिन लग सकती है मेक श्योर दैट सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली अब ये याद रखना है कि जब हम उसमें क्या कर रहे हैं बेटा जो ड्रॉइंग पिन है वो लगा रहे हैं अपनी सेफ्टी पिन में तो वो इस तरीके से लगी हो कि जो अगर हम घुमाना चाहें तो हमारी सेफ्टी पिन आसानी से एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में घूम जाए ठीक है ना फिक्स दी अदर ड्राॅइंग पिन ऑन द थर्मोकोल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन बी ट और जो अब दूसरी सेफ्ट ड्रॉइंग पिन है उसको हमें इस तरीके से फिक्स करना है कि जो हमारी डौ... सेफ्टी पिन है वो उसको क्या कर रही हो दूसरी साइड से टच कर रही हो ठीक है उसकी डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए ऐसा नहीं हम बहुत दूर लगा दें और फिर हमारी जो सेफ्टी पिन है फिर वो उसको टच ही ना कर पाए ओके द सेफ द सेफ्टी पिन इज इन दिस वे वुड बी टच स्विच इन दिस एक्टिविटी अब क्या करना है जो सेफ्टी पिन है इस तरीके से वो क्या करेगी बेटा टच करेगी है ना जब हम जब भी, भी हम उसको घुमाएंगे तो वो दूसरी सेफ्टी पिन से जाके क्या होगी अटैच होगी है ना और जब हम उसे दूसरी डायरेक्शन में घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा वो उसको टच नहीं करेगी मेक अ सर्किट बाई कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और अ बल्ब विद दिसंट नाइन रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट freely end and touch the other drawing pin what do you observe now move the safety pin away and does the bulb glow continue to glow the safety pin covered the gap between the drawing pins when you made it touch two of them in this position the switch is said to be on since the material of the safety pin allow the current to pass through it the circuit was completed hence the bulb glow on the other hand, bulb did not glow when the safety pin was not touched with the other drawing pin. The circuit was not complete and there was a gap between the two pins. In this position, switch is said to be off as a switch is simple device that either breaks the circuit or completes it. The switch used in lightening of the electric bulbs and other device in the homework. ऑन दी सेम प्रिंसिपल ऑल थ्रो देयर डिजाइन आर मोर कम्पलेक्स अब देखो बेटा देखो मैं आपको सिंपल ड्रॉइंग के थ्रू समझा देती हूँ क्या ये क्या चीज़ कह रहा है इसने क्या लिए ये समझ लो इसने कोई भी कार्डबोर्ड शीट ले ली ठीक है और ये क्या कर दिया इसने ये हमारी लग गई इस पर दो ड्राॅइंग पेन ठीक है ये हमने इसके वायर्स निकाल दिए ठीक है इसके बाद हमने क्या किया ये सपोज कर लो ये क्या हो गई कोई भी हमारी सेफ्टी पिन जो अब इन दोनों के बीच में क्या है अटैच्ड है ठीक है बेटा इसके साथ साथ अब हमने क्या किया बेटा जो इसका वन एंड वायर का यहाँ सपोज कर लो हमने क्या कर दिया एक बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है ये बल्ब हो गया आपका यहाँ पे क्या किया हुआ है हमने और इसके इस एंड पे हमने क्या कर दिया बेटा इसे एंड पे हमने क्या लगा दिया इसे एंड पे हमने एक बल्ब को अटैच किया हुआ है ठीक है समझ रहे हो और ये इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है ठीक है तो अब क्या देखेंगे जब ये सर्किट इस तरीके से कंप्लीट है हमारा जब ये सर्किट हमारा ऐसे कंप्लीट है मीन्स जो ये पिन है हमारी ये जुड़ी हुई है मीन सेफ्टी पिन और दोनों ड्राइंग पिन है ना अटैच्ड है तो क्या होगा बेटा ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा होगा हमारा ठीक है लेकिन जब भी क्या करेंगे जो ये पिन लगी हुई है हमारी हम इसको क्या कर दें अभी तो ये लाइक इस तरीके से है है ना ये यहाँ पे जुड़ी हुई है लेकिन क्या करें अब हम इस पिन को यहाँ कर दें ठीक है मीन्स अभी इससे कनेक्ट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा जो हमारा यहाँ पे बल्ब है बेटा वो ग्लो नहीं करेगा रीजन बीइंग क्यों बेटा क्योंकि जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी है वो उसके अंदर पास नहीं हो रही है ना वहाँ पे सर्किट क्या हो चुका है ब्रिक हो चुका है ना आप जब सेवेंथ क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे भी ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट क्लोज सर्किट में क्या होता है बेटा जो हमारा करंट जो हमारा करंट होता है उसका फ्लो प्रॉपरली होता है लेकिन जब भी हमारा सर्किट क्या हो जाता है ओपन हो जाता है तो जो उसमें करंट का फ्लो है वो क्या हो जाता है बेटा ब्रीक आउट हो जाता है अब जब भी उसमें भाई जब करंट ही नहीं है तो ये बताओ कि कोई भी हमारा बल्ब जो भी इलेक्ट्रिक हमारा बल्ब हुआ फ़ैन हुआ है ना वो वो चल ही नहीं सकता उस कंडीशन में है ना उसके लिए किसकी ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की तो हमारे लिए जो हार्ड एंड फास्ट कंडीशन है वो क्या है कि जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए ठीक है तभी हमारा बल्ब क्या कर सकता है ग्लो कर सकता है अदरवाइज हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा ठीक है ओके अब देखो बेटा अब इसमें यहाँ पे इस तरीके से आपको एक टॉर्च का इनसाइड व्यू दिया हुआ है देखो इसने बल्ब दिखाया हुआ है उसमें है ना एक या उसमें रिफ्लेक्टर जिसकी वजह से उसकी लाइट है जो चारों साइड फैल जाती है है ना प्लास्टिक दिखाई हुई है उसकी साइड में स्विच अभी हमने स्विच किससे बनाया था एक किससे सेफ्टी पिन से इसमें क्या होता है इसमें एक ऑलरेडी स्विच होता है है ना प्रॉपरली और इसमें उसके साथ साथ इसने क्या दिखाई हुआ है कि इसमें दो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं ठीक है ठीके? और कनेक्शन आप देख ही सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव ठीक है ये होता है इस तरीके से बेटा चलो जी इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ ए सिंपल डिवाइस दैट इज आई दर द सर्किट और कंप्लीट द सर्किट अब देखो बेटा अब यहाँ से अगर आपसे कोई पूछ ले भाई स्विच क्या होता है ठीक है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए ना हम स्विच को कैसे डिफाइन करेंगे तो ये है ए सिंपल डिवाइस वेट हाँ जी सिंपल डिवाइस सर्किट और और कंप्लीट कंप्लीटेड मतलब कि स्विच एक वो डिवाइस है या तो वो सर्किट को क्या करेगा बेटा कंप्लीट करेगा या फिर क्या कर देगा उसको ब्रिक कर देगा मीन्स जो ये वाली लाइन हो गई आपकी है ना और कहाँ तक यहाँ तक ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी सर्किट की तो सॉरी स्विच की ठीक है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है इंपॉर्टेंट भी होती है वो आपसे पूछ लेता है भाई स्विच क्या होता है तो स्विच क्या है हमारा स्विच इज सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कम्पलीटेड स्विच वो डिवाइस है जो क्या कर सकता है बेटा या तो सर्किट को बना सकता है या फिर उसे ब्रेक कर सकता है ठीक है इसके बाद इसके बाद ये क्या कह रहा है द स्विच यूज इन द लाइटनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब और द अदर डिज इन दी होम जो हमारे स्विच है वो किस किस के लिए भाई हम यूज करते हैं जितने भी हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सामान होते हैं ना इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब के अंदर क्या यूज़ हो रहा होता है स्विच ही होते हैं चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो गया चाहे वो बल्ब का कनेक्शन हो गया चाहे वो फैन हो गया है ना ताकि हमें जब भी ज़रूरत हो हम स्विच ऑन करें जब भी नहीं है तो हम उसे ऑफ कर दें ठीक है हाँ जो अभी हाँ, हमने अभी जो स्विच बनाया है जो हमने सर्किट बनाया है ठीक है ये क्या है बेटा ये इस तरीके से घरों पे नहीं होता उसका जो डिज़ाइन होता है वो ज़्यादा क्या होता है इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ठीक है अब इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर अब देखो बेटा जहाँ पे बात आ जाए कंडक्टर और इंसुलेटर अब देखो कंडक्टर का हिंदी मीनिंग क्या हो गया किसी भी चीज़ का चालक होना मीन्स इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या हो गया जो खुद में से लाइट को क्या होने दे रहा है बेटा पास होने दे रहा है ठीक है वो क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो गया इंसुलेटर क्या हो गया जिसमें से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो पा रही है है ना वो क्या हो गया इंसुलेटर लाइक like, आपका भाई क्या है आपको क्या बोला जाता है आपने आपके घर में कभी भी कोई बिजली ठीक करने वाला बंदा आया हो तो आप क्या देखते हो वो प्लास्टिक के ग्लव्स पहन के काम करता है प्लस क्यों क्योंकि जो प्लास्टिक है बेटा वो क्या है हमारा एक इंसुलेटर है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है ठीक है बेटा और उसके अलावा आपने घरों में देखे होंगे टेस्टर्स होते हैं ना सबके घरों पे तो उसके आगे तो क्या होते हैं प्रॉपर बेटा वो किसी मेटल का होता है लेकिन जहाँ से हम उसे पकड़ते हैं वो चीज़ किसकी होती है ग्लास की कवरिंग होती है ना या फिर प्लास्टिक की कवरिंग होती है रीज़न बिंग क्यों क्योंकि वहाँ से बेटा जब हम उसको पकड़ के रखेंगे तो हमें क्या नहीं लगेगा कोई भी शॉक वगैरह नहीं लग सकता हम जो है वो सेफ है उस कंडीशन में ठीक है तो जो कंडक्टर है वो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे जो इंसुलेटर है वो क्या है बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे अब देखो हम पढ़ लेते हैं इन ऑल अदर एक्टिविटीज वी हैव द मेटल वायर टू मेक अ सर्किट सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इन

उन सब में हमने जो सर्किट में जो वायर यूज़ किया वो सारे क्या थे बेटा मेटल के थे ऐसा थोड़े था हमने कोई थ्रेड यूज़ कर लिया था वहाँ पे या फिर कॉटन वायर यूज़ की थी नहीं अगर ऐसा होता तो क्या होता बेटा जो हमारा थ्रेड हो गया कॉटन वायर हो गया ये सारी चीज़ें क्या है बेटा ये इंसुलेटर है तो उस कंडीशन में हमारा करंट फ्लो नहीं करता और जब करंट फ्लो नहीं करता तो हमारा बल्ब भी ग्लो वहाँ पे नहीं कर पाता अब इसके लिए इसने एक एक्टिविटी दी है दैट इज एक्टिविटी फाइव डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट You, you used for activity 4 this would leave you with the two free end of the wire as shown in the figure 12.12 .12. a bring the free end of the two wire close to let them the touch with each other does the bulb light up you now can use the this arrangement to test whether any given material allow the current to pass through it or not Collect the sample of the different type of the material such as coins, cork, rubber, glass, keys, pins, plastic, scale, wooden, blocks, aluminum, foil, candle, needle, thermocol, paper, pencil, lead. One by one. Bring the free end of the wire of your tester in the contact with the two end of the sample. You have collected make sure that the the two wires do not touch each other while you are doing so does the bulb glowing in this case कलेक्टेड मेक श्योर दैट द टू वायरस इन दिसक इन यूर नोट बुक ये वाला समझ रहे हो यहाँ पे उसने जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए अब उसने हमसे सिंपल वे में बोला क्या है उसने हमने सिंपल वे से बोला ये कि जो हमने लास्ट एक्टिविटी किया है ना बेटा जहाँ पे हमने क्या किया था थर्मोकोल शीट में सेफ्टी पिन यूज की थी तो उसने कहा है कि अब इसको भाई रिमूव आउट, आउट कर दो आप ठीक है हमने वो रिमूव आउट कर दी बेटा अब उसकी जगह पे इसने क्या यूज़ कर दिया एक की आपके घरों पे जो ताले वाली चाबी होती है ना बेटा है ना किसकी होती है वो मेटल की तो बनी होती है भाई आयरन वगैरह की तो होती है वो ठीक है तो क्या करना है अब हमें उसको यूज़ करना है ठीक है बेटा तो हम क्या देखेंगे जब हम उसको लगा रहे हैं टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर पे तब क्या हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है येस yes. क्यों क्योंकि जो हमारा वो आयरन है वो क्या है बेटा वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है इसके अलावा इसने और भी अगर हम इसी की की जगह हम क्या कर दें यहाँ पे इसकी की, की जगह हम क्या यूज़ कर लें बेटा कोई भी रबर यूज़ कर लें है ना तो उसके इसमें क्या हो जाएगा हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्यों क्योंकि जो हमारी रबर है वो क्या है वो एक इंसुलेटर है ठीक है इस तरीके से इसने एक आपको एक्टिविटी दी हुई है कि, कि हमारा मेटल है तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा रेजर क्या है हमारी जो रबर होती है वो क्या है वो हमारी मेटल नहीं है है ना वो क्या है इंसुलेटर तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा सेम विद जो स्केल है वो क्या है प्लास्टिक है मैंने आपको पहले ही बताया तो भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्यूं? क्यूं क्यूं क्यों क्योंकि वो भी एक इंसुलेटर है मेस्टिक यानी कि वुड बॉक्स उसके इसमें भी हमारा क्या है जो अगर हमारी लकड़ी सूखी हुई है ठीक है ये चीज़ और याद रखना तभी भी क्या है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी लेकिन अगर हमारी वुड क्या हो वेट हो गीली हो तो उसके इसमें उससे लग... जो इलेक्ट्रिसिटी वो पास हो सकती है ठीक है उसके बाद इसने ग्लास बैंगल ग्लास बैंगल से भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी इसके बाद किसकी बात की उसने आयरन नेल हाँ इससे ये हमारा मेटर और इससे क्या होगा बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी वॉट डू यू फाइंड The bulb does not glow when the free end of the wire are in the contact with some of the metals you have tested. This means that these materials do not allow the electric current to pass through them. On the other hand, some of the materials allow electric current to pass through them which is indicated by the glowing bulb. Material which allow the electric current to pass through them are the conductor of the electricity. ओके okay. अब देखो बेटा यहाँ पे जो मटेरियल होते हैं जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे रहे हैं है ना वो क्या हो गए कंडक्टर हो गए किसके इलेक्ट्रिसिटी के और वहीं पे इंसुलेटर की डिफाइन पूछे तो क्या हो जाएगी इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रो ना तो ये दोनों आपकी क्या हो सकती हैं ये दोनों हमारी यहाँ से बेटा इस तरीके से डेफिनेशन हो जाएंगी है ना किस किस की ये हो जाएगी हमारी किसकी कंडक्टर की ठीक है और यहाँ पे ऊपर ये किसकी हो जाएगी बेटा इंसुलेटर की तो ये चीज़ दोनों आप याद रख सकते हो और बहुत इजी भी है कि भाई जो हमारी क्या है जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे वो कंडक्टर हो गया जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे वो इंसुलेटर हो गया ठीक है विद द हेल्प ऑफ द टेबल टू एल्व पॉइंट वन ने मटेरियल दैट कैन कंडक्ट कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो दो विद द इंसुलेटर अब देखो कंडक्टर क्या हो जाएगा हमारा कोई भी की हो जाएगी है ना आयरन हो जाएगा कोई भी एल्यूमिनियम की वायर हो जाएगी है ना और क्या हो जाएगा आयरन ने ली ये सारे क्या है? हमारे कंडक्टर हो गए इंसुलेटर की बात कर लें तो हमारा क्या हो गया इरेजर हो गया स्केल हो गया मेस्टिक हो गई ग्लास बैंगल्स हो गए है ना ये सारी चीज़ें क्या हो गई इंसुलेटर हो गई व्हाट डू यू कंक्लूड अब इसने पूछा है कि आप निष्कर्ष मतलब क्या निकालोगे इस चीज़ का विच मटेरियल आर द कंडक्टर एंड विच आर द इंसुलेटर रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप्ड एज दोज थिंग्स लश्चर इन दी

ये हमारे कंडक्टर भी होते हैं लेट अस रिकॉल द एक्टिविटी फोर इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक करंट विद अ स्विच वेन द स्विच वॉज इन द ओपन दोजीशन वर द टू ड्रॉइंग पिंस नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर द थर्मोकॉल शीट बट दर्मोकॉल यू मे हैव फाउंड इन एन इंसुलेटर वॉट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो वेन देर इज द एयर गैप बिटवीन द ड्राॅइंग पिंस इन द स्विच इट मींस दैट एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर अब भाई देखो इसने क्या बात की है इसने बात की है एयर की जो हमने एक्टिविटी यूज़ की थी ना बेटा है ना जब हमारी क्या थी उन दो हमारे पिंस के बीच में गैप था तो इसने पूछा है कि जो वो एयर एयर थी उसमें अब वो क्या हुई वो इंसुलेटर हुई ऑब्वियस सी बात है अगर अगर भाई सोचो अगर आपकी एर, मींस आपकी एयर जो हवा है वो अगर आपकी कंडक्टर होती मतलब कि हर जगह भाई फिर तो क्या और लग रहे होते शौक लग रहे होते हम हम रह नहीं सकते फिर तो है ना हमारी जो लिविंग लाइफ है वो सारी खत्म हो चुकी होती है ना हर किसी को शौक लग रहा होता तो जो हमारी एयर है वो क्या है बेटा एक इंसुलेटर है ना कि क्या है एक कंडक्टर ओके okay. तो इसीलिए जब हमारी वो दोनों ड्राइंग पिंस कनेक्ट नहीं थी उस सेफ्टी पिन से तो क्या था हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था जब वो क्या हो गई कनेक्ट हो गई तो वो क्या कर रहा था बेटा ग्लो कर रहा था तो एयर जो होती है वो हमारी क्या होती है बेटा इंसुलेटर होती है ठीक है अब इसके बाद ही क्या कह रहा है कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर द इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑब्वियस सी बात है भाई ऐसा सोचे भाई हमारे लिए इंसुलेटर तो कुछ काम के नहीं है सिर्फ कंडक्टर कंडक्टर है तो ऐसा नहीं है ठीक है, दोनों ही चीज जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्विच द इलेक्ट्रिक प्लग एंड शॉकेट आर द मेड ऑफ द कंडक्टर। ऑन द अदर हैंड रबर एंड द प्लास्टिक आर यूज टू कवरिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स। प्लग टॉप्स अब ये क्या कह रहा है भाई देखो जो आपके कंडेक्टर्स हैं वो किस में यूज़ किए जा रहे हैं जो प्रॉपर जो सामान है है ना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए लेकिन अभी सोचो आपके घर में जो वायर्स हैं है ना उन सब पे क्या है बेटा एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है अगर हमारा इंसुलेटर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो क्या होता हम सीधा हमारे घर में क्या होती वो नेक्ड वायर्स होती और गलती से अगर हमारा हाथ वहाँ चला जाता तो क्या लग रहा होता हम सबको शौक लग रहा होता है ना तो इस तरीके से बहुत बड़े लेवल पर क्या होती बहुत बड़े लेवल पे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका क्या हो रहा

अदर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एप्लींसिस विच पीपल माई टच और जितनी भी हम चीज़ें क्या हैं जिनको हम टच करते हैं वो सारी किसकी होती हैं बेटा प्लास्टिक की होती हैं ठीक है ठीके? तो हमारी सेफ्टी पर्पस के लिए जो इंसुलेटर हैं वो बहुत ज़रूरी हैं ओके तो यहाँ आपका ये चैप्टर ओवर हो जाता है आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बाकी के जो भी आपके डाउट रहते हैं उन्हें हम लाइव क्लास के ऑडिशन में क्लियर आउट कर लेंगे ओके थैंक यू